खूबसूरत कलर है। अभी मजा आएगा ना। हमारा काम वो ये है कि इन मुर्गियों को दाना वगैरह डालते हैं, और उसके बाद जो काम करना है दूसरा वो ये पिंजरे की जो दीवार है इसको अच्छी तरह से पानी लगा के मजबूत बनाना है। पानी लगाएंगे तो दीवार मजबूत हो जाएगी, सीमेंट अच्छी तरह से पकड़ लेगा ईंटों को। इसको हम अभी पानी लगाएंगे अच्छी तरह, और उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद इसके जो दरवाजा है इसको हम पेंट करेंगे ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा वो हम पेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है इन्हें मैं दाना डाल दूं, फिर आपसे मिलता हूं। इनको भी दाना डाल दिया, और इनके साथ एक और मुर्गी छोड़नी है। ये सील मुर्गी के लिए हमने 2 मुर्गियां अरेंज कर ली हैं सील, इनसे हम अंडे बच्चे निकलवाएंगे। क्या बोला तूने? और अभी इनको जो है ताज़ा पानी रखते हैं ठंडा, वैसे तो इस बर्तन में है पानी वाले बर्तन में, दोबारा एक बारी फिर पानी चेंज कर देंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बात तो सही है। और सबसे पहले जो हमने काम करना है वो यही काम है हमारा कि हम जाके सबसे पहले अपने कबूतरों को दाना डाल दें, और उसके बाद अपनी इन मुर्गियों का पानी चेंज करेंगे। कबूतरों को दाना डालने से पहले हम इन तोतों का जो दाना पानी है वो चेंज करेंगे, पानी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है इनका, इनका पानी चेंज करेंगे। इनका पानी वाला बर्तन निकालते हैं उसे चेंज करते हैं। इन्हें पानी साफ रखेंगे तो ये भी सेहतमंद रहेंगे, साफ गजा खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे। देखते हैं फ्रिज में कुछ फ्रूट है तो इन्हें फ्रूट भी डालते हैं अभी, उससे पहले पानी निकाल लूं। दाना पानी चेंज हो चुका है, अब इनका जो पिंजरा है उसको उस साइड पर ही घुमा देते हैं, इनके पिंजरे का जो दरवाज़ा है, क्योंकि बच्चे इसे अगर खोल देंगे ना तो ये उड़ जाएंगे। उस साइड पर रहेगा ना द्वार वाली साइड पे, तो कोई टेंशन नहीं होगी, बच्चे इसे खोल नहीं पाएंगे। अब चलते हैं कबूतरों को दाना डालते हैं। ये चेक करें जी, कबूतरों के पास आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इनको दाना वगैरह डालते हैं और आपको इनके बच्चे दिखाते हैं, उनकी ग्रोथ चेक करें आप कितनी माशाल्लाह से जल्दी जल्दी वो ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और हमारी नई कबूतरी वो बैठी है कोने में, ये डल गया जी ने दाना, और ये चेक करें जी माशाल्लाह। ओह माय गॉड, वाओ, करीब से देखें क्या खूबसूरत कलर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इन्हें माँ बाप फीड कराएंगे, मजीद ये और बड़े होंगे, बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो इधर सारे जानवर को परिंदों को दाना पानी हो चुका है, अब बारी आती है गाय की, गाय को दाना डालना है और चारा डालना है, और उसके बच्चे को और बतखों को। तो चलते हैं हम उस घर, उधर जाके मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो लेकिन चेक करें, पहुँच चुके हैं गाय के पास, पहले से इसको चारा डाला हुआ है, और जो बच्चे की तरफ चारा हुआ है वो हम गाय की तरफ कर देंगे, क्योंकि इस बच्चे ने जितना खाना था खा लिया। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? गाय अभी भी भूखी है तो इसकी तरफ ये चारा कर देते हैं। ले जी, गाय की तरफ भी चारा हमने कर दिया है, और अभी इसको पानी वगैरह पिलाएंगे, और आज के व्लॉग को हम यहीं पर करेंगे एंड, मिलेंगे आपसे कल। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।